वो दिन अब दूर नहीं जब जिला सिरमौर की अपर बेल्ट सेब के बगीचों से गुलजार होगी। पच्छाद से लेकर शिलाई व श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के लिए इटली की रूट स्टॉक वरदान साबित हुई है, तो बागवानी के विषय विशेषज्ञ उजागर सिंह को सिरमौर का सत्यनंद स्टॉक्स कहा जाए तो गलत ना होगा। उजागर सिंह हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर विभाग में विशेषज्ञ अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जिला सिरमौर के रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के गांव थौला पंचायत भलोना में अपने खेतों में सेब की फसल तैयार कर चुके हैं। चूंकि अब उजागर सिंह सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उन्होंने अपने गांव में ही सेब का ऐसा बगीचा तैयार किया है जो अपने आप में अन्य बागवानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। उजागर सिंह का ये भी मानना है, गांव का युवा बेवजह शहरों और नौकरी के पीछे ना दौड़े। जितना संघर्ष नौकरी में करना है उतना वह अपनी जमीन में खेतीबाड़ी करें तो निश्चित ही उनके जीवन में खुशहाली होगी। उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश सरकार किसानों और बागवानों के लिए हर संभव सहायता करती है, तो ऐसे में इन तमाम योजनाओं का लाभ भी किसान भाइयों को लेना चाहिए। जी उजागर जी, एक कौन सी वैरायटी का फूल है और यहाँ पहाड़ में हमने देखा इतनी ऊंचाई पे आपने पॉली हाउस भी लगाया है, थोड़ा इसके बारे में भी आप जानकारी दें हमें। सैनी साहब, ये जो मेरा पॉली हाउस है वो 500 स्क्वायर मीटर में है ये, और इसमें मैंने पिछले साल भी फूल लगाया था यही लिलियम, और मैंने जो बल्ब है उसके निकाले नहीं और इस साल इसमें फिर जम गया, मगर कोरोना की वजह से हम जो है वो मार्केट नहीं ढूंढ पाए और आगे जो बिक नहीं पाया, ना पिछले साल बिका ना इस साल बिका। और ये जो वैरायटी है वो एशियाटिक है। कितने किसान लगाते होंगे इसको यहाँ? हमारे एरिया में तो थोड़ा अब लोग अब सी लगा रहे हैं, मगर राजगढ़ में तो आपको पता ही है कि वहाँ तो कम से कम 3000 स्क्वायर मीटर में तो पॉली हाउस बने हुए हैं। ओके, क्या रेट जाता है जी मार्केट में इसका? मार्केट में बहुत अच्छा जाता है जी, अगर इसका ठीक चले ना रेट तो जो बंच है कम से कम 250-300 का बिकता है। अच्छा, मगर मार्केट ना होने की वजह से हम जो है थोड़ा सा मायूसी छा गई है। तो इस बार कह सकते हैं कि किसानों को कोरोना की वजह से काफी नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ, करोड़ों का नुकसान हुआ जी किसानों को। हम तो सरकार से मांग करेंगे। तो इस पे क्या लागत आ जाती है जी, जैसे इस तरीके का 500 स्क्वायर मीटर का एक पॉली हाउस कोई लगाता है? अगर आप 500 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस लगाते हैं तो उसमें सरकार जो है वो 80% और 85% अनुदान देती है, उसमें आपको अपना 20% ही जमा करना पड़ता है। जहाँ तक इसका लिलियम का सवाल है तो ये तो आपको 15-20 हज़ार में 500 स्क्वायर मीटर के लिए आ जाएगा, मगर आप अगर सही इसकी जो फसल बिकती है तो आप जो है वो 4-5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं साल का। ओके जी। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए नाहन से शैलेश सैनी।